और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद आज कानूनों को वापस लेने के बाद सबकी नजर रहेगी किसान संयुक्त मोर्चा पर कि आखिरकार वो क्या फैसला लेते हैं। किसानों का आंदोलन पीएम मोदी के ऐलान के बाद आखिर कब तक जारी रहेगा, इसे लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक होने जा रही है। बैठक में संयुक्त मोर्चा के सभी 32 संगठन हिस्सा लेंगे और बैठक में तय किया जाएगा कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद की रणनीति क्या होगी। हालांकि कृषि कानून वापस लेने के ऐलान को बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अभी आधी जीत बताया है। उधर कांग्रेस आज कृषि कानून की वापसी के बाद विजय दिवस मनाने जा रही है। तो आज सबकी नजर रहेगी संयुक्त किसान मोर्चा पर, आखिरकार वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कल राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि जब तक संसद में यानी कि संसद के अंदर बिल लाकर इन तीनों कानून को रद्द नहीं किया जाता है तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही साथ एमएसपी पर भी अभी भी पेच फंसा हुआ है। टिकैत ने इंडिया टीवी से बातचीत में साफ कहा कि कानून वापस लेने से कुछ नहीं होगा, अगर सरकार जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध वाला है, सीड का है, तो और तो बहुत मामले हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे एक रेडियो संदेश देते हैं ऐसे बोल दिया। यहाँ पे लोकतंत्र है इस देश में, यहाँ ये कोरिया नहीं है कि कोरिया के तानाशाह ने जो कह दिया वो फाइनल देश में कानून बन गया, वो नहीं है। बैठ के सरकार बातचीत करें और जो और मसले हैं उस पर बात करें, उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा। उनके बात पे भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री की, वापस ले चुके हैं सर अपील। हमने कहा कि किंग जोंग नहीं है यहाँ पे, किंग जोंग का राज नहीं है, ये लोकतंत्र देश है, ये कोरिया नहीं है, ये भारत देश है भाई। वो तो एक तरफा सवाल तो करता है, कोरिया में होता है ये, तो यहाँ तो बातचीत होगी उसके बाद में उसका ड्राफ्ट बनेगा, उस पर समाधान होगा ना। वैसे बिल पे क्या करा उन्होंने, चलो सीट बिल पे बताओ क्या करा पुलिस के थाने। सबसे बड़ी मांग तो यही थी ना सर, तीन कृषि कानून वापस लेंगे तो आप हड़ताल वापस लेनी है, आंदोलन। हमारे तो 700 मांग है, नहीं ये कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा हमने, ये कहा कि लेकिन आपका ये मेन मुद्दा तो यही था ना, तीन कृषि कानून वापस होंगे तो एमएसपी, मेन मुद्दा एमएसपी है। यहाँ सवाल जवाब होंगे, अपील नहीं। ये आंदोलन चलेगा जब तक कागज नहीं मिलेंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून, जब तक बातचीत नहीं होगी। सरकारों को बातचीत करनी चाहिए, अब कोई मामला है तो उनके जो लोग होंगे जैसे पहले बातचीत करने आते थे वो बैठ के टेबल टॉक करें, उसमें से एक ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद में सारे मसलों का समाधान। पार्लियामेंट में कानून बना दिया और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वापसी ले लेंगे, हमें कागज दे दो। तो आपको लगता है ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इस तरह की है कि लोगों में एक वो हो, एक भ्रम पैदा हो जाए, वो है हमने कहा कि पार्लियामेंट में जाएगा, ये पार्लियामेंट में इसे कैंसिल करवा दो और जो और मामले हैं उस पर बैठ के बात कर लो। मुकदमों का कौन करेगा, किसानों के ऊपर 10,000 मुकदमे, उसको कौन जिम्मेदारी लेगा। आंदोलन के दौरान कोई भी मुकदमा लगाओ, मुकदमे वापसी होने तो बातचीत से ही होंगे ना, बात करो। और राकेश टिकैत ने जो संकेत दिए उसके मुताबिक आंदोलन अभी जारी रहने वाला है। आपको बताते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर संयुक्त किसान मोर्चा आगे भी डटे रहने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन आंदोलन संसद से कानून रद्द करने तक जारी रखने का भी साफ संकेत दे दिया गया है। किसानों की मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी भी शामिल थी और इस पर कानून बनाने की मांग की गई है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों को मुआवजा दिए जाने पर भी बैठक पर बातचीत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा में सबसे ज्यादा किसान संगठन पंजाब और यूपी के ही हैं, लिहाजा इसका असर भी इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा है। कल जब पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया तो आंदोलन पर डटे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने नाच गाकर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया, लेकिन इस सवाल का जवाब आज की बैठक के बाद मिलेगा कि आंदोलन आखिर कब खत्म होगा। इस पर किसान नेता अब भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके मुताबिक अभी किसानों को आधी जीत ही मिली है। और इस बीच कृषि कानूनों को वापस लेने का श्रेय लेने की होड़ लग गई है। इसी होड़ में कांग्रेस आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाने वाली है। इससे पहले कल देर शाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में मारे गए किसानों की याद में कैंडल मार्च भी निकाला, जिसमें मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। आज विजय दिवस के मौके पर देश भर में सभाएं करेंगे और हालांकि कांग्रेस ने
पंजाब में अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं ने भी इसे किसानों की जीत बताया। ये भी कहा है कि इसका क्रेडिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि किसान मोर्चे को जाता है। कानून वापसी के साथ माफी मांगने के लिए सबने आगे के लिए एक अच्छा संकेत दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि अब वो बीजेपी से सीटों को लेकर समझौता कर सकते हैं। आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूं कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। एंड जब माफी मांग ली तो और कह दिया इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अब हाउस कब मीट होगा। हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे। 700 जाने चले गई हैं, शहादतें हो गई हैं। यही बात हमने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि जो आपने काले कानून बनाए हैं ये देश के किसान नहीं मानते, अब आप मत कानून लेके आए। जो हमने बात कही थी वो सच हुई। अकाली दल बीजेपी के साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।